नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। आज बात करेंगे कांग्रेस की और बात कांग्रेस की एकजुटता की। जी हां, हाल ही में उत्तराखंड के नए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया और 2022 के लिए नई चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। लेकिन कहते हैं कि क्या कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह, जो कांग्रेस के भीतर दो धड़े हैं, जो कांग्रेस के भीतर हमेशा से एक बात कही जाती है कि आखिरकार पार्टी एकजुट कैसे होगी, क्या वो पार्टी को एकजुट कर पाएंगे। क्योंकि जय भारत टीवी के ऐसे ही एक सवाल पर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की अलग अलग राय बड़ा सवाल पैदा करती है। जी हाँ, हाल ही में कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर काफी चर्चाएं हैं, कई राजनीतिक समीकरण भी निकाले जा रहे हैं। वहीं जब क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में जा सकते हैं, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से सवाल किया गया तो दोनों की अलग अलग राय थी। वो खुद ही खुद बहुत कुछ कहते रहते हैं तो उसमें किसी और के कहने के लिए गुंजाइश थोड़ी है। आप इधर सराय नहीं है। कांग्रेस सराय नहीं है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। हमारे वहाँ आने सब चीज़ के नियम हैं और ऐसा नहीं है कि कोई कभी आए और बिस्तर डाल दे और जब चाहे तब बिस्तर बांध करके चला जाए, जब चाहे बिस्तर को यहाँ आकर के डाल दे और खोल ले। कांग्रेस ऐसी सराय नहीं है, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। मिलने का भी आपने समय मांगा है। आप कृपया हमारे सम्मान का ध्यान रखें कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। अगर आपने मेरे बयान को सही तरीके से देखा होगा तो मैंने हमेशा इस बात को कहा कि राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और देश के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस दल में लोग गए ना हो और आए ना हो। ये जब स्थिति आएगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को वो निर्णय स्वीकार्य होगा। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व मेरा राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार क्या होता है। लेकिन कांग्रेस में एक राय है या नहीं, ये दो बड़े बयान बता देते हैं। तो इसी तरह की तमाम राजनीतिक खबरों के साथ आपके सामने लगातार आते रहेंगे। यही नहीं, खेल, अपराध, आर्थिक जगत और मनोरंजन की दुनिया की भी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।